हेलो भगवान छोटे से बच्चों, मेरा नाम है रचित एंड मैं हूँ कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में। एंड ये है इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड हाउस जिसके पीछे कुत्ते फाइट कर रहे हैं। एंड व्हाई हॉन्टेड, मेरे कहने का मतलब है आप लोग आज भूत बंगला में जा रहे हैं। ऐसा लगा मुझे कोई वो पुश कर रहा है इसके बारे में। कभी कभी तो आता है। एंड मैं इस होटल पे स्पेंड करने वाला हूँ 48 आवर्स चेक करने के लिए कि ये भूत हकीकत में है कि नहीं। राइट एवरीबॉडी, आप लोग का स्वागत है टू रचित रो एडवेंचर्स, जहाँ पर रचित जाएगा आज के दिन गोस्ट हंटिंग करने। कुछ दिन पहले जब मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था तभी मेरे को एक वीडियो रिकमेंड होती है, दिस वन। तो इस वीडियो के अंदर तुम लोग देख सकते हो कि ये लोग जाते हैं एक हॉन्टेड होटल पे एंड वहां पर एक रात स्पेंड करते हैं। एंड इस वीडियो में दिखाया जाता है कि ये होटल काइंड एक्चुअली में हॉन्टेड है। रात होते ही हर्ष को कुछ ऐसा फील हुआ कि वो रूम छोड़कर गाड़ी की तरफ भागा। वो इतनी स्कैरी ना हो, फ्रेंडली हो। ये भी होता है यार, कई बार घोस्ट जो होते हैं ना वो फ्रेंडली होते हैं। तो जब मैंने देखा कि भाई एक होटल है जो कि बहुत हॉन्टेड है जिसका नाम है मॉर्गन हाउस, तो मैं बैठा एंड मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया इस होटल के बारे में। एंड मेरे को पता लगा कि ये एक्चुअली में इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड होटल है। एंड इस होटल से रिलेटेड काफी ज्यादा स्केरी स्केरी सी स्टोरीज है, लाइक काफी डरावनी डरावनी। तो बात कुछ ऐसी है कि भाई मैं नहीं करता हूँ बिलीव गोश्त वगैरह में, सो आई थिंक मेरे को जाना चाहिए इस जगह पर एंड चेक करना चाहिए कि ये भूत यहाँ पर है कि नहीं है। बट मैं इतना नादान था, मेरे को पता ही नहीं है कि ये जगह कितनी ज्यादा दूर है एंड मेरे साथ इस पूरी जर्नी में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये हॉन्टेड होटल कहां पर है और इसका नाम क्या है। तो इस होटल का नाम है मॉर्गन हाउस। ये है कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में। वैसे वेस्ट बंगाल इधर है, ये कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल के बिल्कुल बॉर्डर पे लगता है जाकर। एंड ये मेरे घर से करीब 1500 किलोमीटर दूर है। मैं रहता हूँ दिल्ली में, मे बी मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है लेकिन ये बहुत ज्यादा दूर है भाई। बट बात कुछ ऐसी है कि मेरे को जाना था यहाँ पर, तो मैं अपने भाई को कॉल लगाता हूँ, मैं उसको ये आइडिया प्रपोज करता हूँ। हेलो। हेलो, हाँ सचिन भाई। हाँ बताइए। हाँ जी यार, ये बोल रहा था मेरे पास ना यार एक वीडियो का आइडिया आया है बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली सीन ऐसा है ना, वो वीडियो के लिए ना अपने को बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन क्या आइडिया है? आइडिया मतलब ऐसा है, लाइक कुछ अजीब सा नहीं है बट काफी इंटरेस्टिंग सा है। एक्चुअली एक हॉन्टेड होटल है, लाइक इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड होटल। तो हम मैं सोच रहा लाइक उसी पे ना आराम से जाते हैं एंड वहाँ पे 48 घंटे बिताते हैं उसके अंदर। भूत देखने जाओगे? हाँ मतलब भूत का यही प्लान है, लाइक भूत मिल जाता है तो मतलब यही आइडिया है, लाइक भूत देखने का आइडिया है। वहाँ पे जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे ऐसे करके। पे? ये पड़ेगा लाइक दूर है, अब वेस्ट बंगाल वाला, लाइक वेस्ट बंगाल के साइड है, यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर। मत घटिए, उत्तर प्रदेश में भूत है ना जो बंगाल लेकर जा रहे। अरे मतलब हाँ ऐसा ही है, लेकिन यार बताओ ना, चलते ना। अरे चलते तो है लेकिन तो बंगाल इतनी दूर भूत देखने जाओगे? यहाँ चंद्रमुखी बुला लो घर पे। अरे तो वो चंद्रमुखी कहाँ से बुला ले यहाँ पे? एक काम करते हैं, सुनो। हाँ, हमारी नजर में एक बाबा जी है, शैतान बाबा। हाँ अरे मैं सीरियस हूँ, मजाक के मूड में नहीं हूँ, मेरा एक्चुअली में मन है वीडियो बनाने का। अरे वीडियो बनाने का मन है लेकिन पागल हो, इतनी दूर जाओगे यार? ठीक है ठीक है ठीक है। तो सचिन भाई ने कर दिया है मेरे से मना, बिकॉज वो बोल रहे हैं काफी ज्यादा डरावना है एंड मेरे को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जस्ट फॉर अ वीडियो। बट बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर फ्रिकिंग गोइंग। कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया भाई मैं। तो सचिन भाई के मना करने के बाद भी मैं देखने लगा फ्लाइट टिकट्स। मैंने एक्चुअली ट्रेन्स वगैरह सारी चीजें देखी कि मैं इसको किस किस तरीके से जा सकता हूँ। मेरे को ट्रेन से काफी ज्यादा टाइम लग रहा था एंड ट्रेन की टिकट्स मेरे को नहीं मिल रही थी और कार से जाने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो मैं डिसाइड करता हूँ मेरे को जाना चाहिए फ्लाइट से, तो मैं टिकट बुक कर देता हूँ। बाय द वे ये टिकट्स 52,000 की हुई है। तो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज इस वीडियो में मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है। सिर्फ टिकट्स ही टिकट्स 50,000 की है। सो टिकट बुक करने के बाद मेरे को याद आता है, ओ हेलो, मैंने होटल में कॉल करके होटल तो बुक किया ही नहीं है अभी तक। तो मैं कॉल लगाता हूँ होटल में एंड वहां पर मेरे को ये सुनने को मिलता है, हेलो
या इज दिस मॉर्गन हाउस रिसेप्शन? हेलो, या हाय, एक्चुअली मेरे को एक रूम बुक करना था मॉर्गन हाउस के लिए. एक्चुअली मैंने देखी थी कुछ, वो देखे थे लाइक इंटरनेट पे ना, स्कैरी वगैरह चीजें देखी थी कि ये हॉन्टेड होटल है लाइक ऐसे करके ना, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू विजिट. मैं देखना चाहता था खुद से. हाँ, मैं देखी वो स्कैरी वीडियोस, इसीलिए आई वांट टू लाइक कम एंड सी. या या हाँ, आई एम श्योर, ऑब्वियसली मैं श्योर हूँ, इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ. मेरे को आप डरा रहे हो अभी ऐसे बोल के. सॉरी, बट लेट मी चेक, बिकॉज ओके 170 डेज पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है. अच्छा, इतना मुश्किल है क्या इसके बुकिंग के लिए? यस, बिकॉज दिस इज अ स्टोरी, दिस इज रियली हॉरर, सो दैट्स व्हाई. ओके, ठीक है, आप प्लीज चेक करना एंड मेरे को बताना लाइक प्लीज. ओके, थैंक यू सो मच. आई डोंट नो, ये कॉल के बाद मेरे दिल में थोड़ा सा धक धक सा हो ले रहा है ब्रो, बिकॉज अभी तो मेरी ये जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है और ये रिसेप्शन वाली मैडम मेरे को पहले से ही डरा रही है. बट बॉयज एंड गर्ल्स, मैं यहाँ पे रूम भी बुक कर लेता हूँ एंड नाउ इट्स टाइम टू गो. तो हम लोग की फ्लाइट है आई थिंक 4-5 घंटे के बाद. मेरे को नींद नहीं आ रही है बिकॉज आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो. ऑल्सो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है वहाँ पे जाने में, बिकॉज ऐसा कुछ मैंने कभी किया नहीं है. बट आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरे को ऐसा कुछ बनाना था बहुत टाइम से. लेट्स गो. तो मॉर्निंग में उठता हूँ, ब्रश करता हूँ एंड 2 घंटे पहले मेरी हालत कुछ इस तरीके की होती है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, 2 घंटे बचे हैं फ्लाइट में, जल्दी से रेडी होता हूँ एंड पहुँचता हूँ एयरपोर्ट पे. बाय. तो ये सब के बाद फाइनली हम बैठ जाते हैं अपनी कैब में एंड निकल जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ. वेल, अभी रात के 3 बज रहे हैं जैसे कि तुम लोग अंधेरा देख सकते हो एंड ये रहा मैं, मनु एंड मेरे चाचा. वेल, मैं तुम लोगों को एक चीज बताऊं, मेरी हॉरर ट्रिप जस्ट अभी स्टार्ट हुई है एंड मैं जिस कैब में बैठा हूँ उसमें से कुछ इस तरीके की आवाज आ रही है. आई डोंट नो भाई, मेरे को अभी हर एक चीज ना डरावनी ही लग रही है. बाय द वे, मैं एक चीज तो तुम लोगों को बताना भूल ही गया, इस ट्रिप में मेरे साथ जा रही है मेरी छोटी बहन मनु एंड ऑल्सो मेरे साथ जा रहा है मेरा बड़ा भाई सचिन. बाय द वे, मैंने फनी करने के लिए सचिन भाई से थोड़ी सी चीज बुलवाई थी. वो ये है. गाइस, ये बड़ा वाला मोटा वाला रचित है, तुम लोगों ने पहले मुझसे मिला था ना, तो इस वाली ट्रिप में मिलते हैं. एंड उसके साथ मेरे साथ मेरे चाचा भी जा रहे हैं एंड मैंने अपने चाचा को भी नहीं छोड़ा. ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? चाचा सबको बताना नहीं था, ये स्क्रिप्टेड है. बाय द वे, तुम लोग के मन में चल रहा है कि आखिर मेरे साथ इतने लोग क्यों जा रहे हैं, तो तुम लोग ऐसे भूल रहे हो, हम मॉर्गन हाउस जा रहे हैं, द हॉन्टेड होटल, जहाँ पे एयरपोर्ट पे जाने के बाद मेरे को टैक्सी ड्राइवर ये बोल रहा था आप लोग आज भूत बंगला में जा रहे हैं. भूत बंगला में जा रहे हैं, भूत पकड़ेगा सावधान. सो फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ भाई रात के 3 बज रहे हैं और एयरपोर्ट पे आके मेरे को लग रहा है कि भाई सब्जी मंडी है ये. वेल, हमें क्या है, हमें तो अंदर घुसना है, हमें जाना है अपने गेट पे एंड गेट की लाइन तुम लोग देख सकते हो ये भी काफी बड़ी है, बट मेरे को खड़ा होना पड़ता है इस लाइन में. बट मेरे भाई और बहनों, इतनी मेहनत करने के बाद हमें फाइनली मौका मिलता है बस में बैठने का, एयरक्राफ्ट में बैठने का. जैसे कि आप हमें देख सकते हैं इस एयरक्राफ्ट में बैठे हुए, रचित भाई फ्लाइट में उड़ेंगे एंड भूत से मिलेंगे जाकर. थोड़े से मजे करते करते ये फ्लाइट उड़ने लगती है. सो दिल्ली से अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं वगदोरा एयरपोर्ट. वगदोरा से मॉर्गन हाउस है 80 किलोमीटर, क्योंकि मॉर्गन हाउस है कालिमपोंग में एंड कालिमपोंग के आसपास में कोई सावी एयरपोर्ट नहीं था, तो वगदोरा पे होता है एक डिफेंस एयरपोर्ट. तो वहां पर मैंने कोई सी भी चीज रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इफ तो मैं नहीं पता है कि डिफेंस एयरपोर्ट क्या होता है. तो वहां पर बहुत ज्यादा आर्मी होती है एंड वहां पर हम कोई सी भी मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं. बट एयरपोर्ट पे उतरने के बाद मैं जाता हूँ टैक्सी वालों के पास
पास। एंड जैसे ही मैं बोलता हूँ कि मेरे को जाना है मॉर्गन हाउस, मेरे को सुनने के लिए मिलता है, आप लोग आज भूत बंगला में जा रहे हैं, भूत बंगला में जा रहे हैं, भूत पकड़ेगा सावधान। तो भाव ना कोई सा भी टैक्सी वाला रेडी नहीं हो रहा होता है मेरे को मॉर्गन हाउस ले जाने के लिए, बिकॉज एक तो वो बहुत ज्यादा दूर है एंड ये मेरे से मांग रहे होते हैं 3,000 रुपए वहां तक ले जाने के लिए। कालिम्पोंग तक जाने का ही भाई कैब का बहुत रुपए लग रहा है, 3,000 रुपए ले रहे हैं वहां तक जाने का ही, बोल रहे जाएंगे ही नहीं भाई वहां पे। तो मैं पे कर देता हूँ 3,000 रुपए। बाय द वे तुम लोग सोच रहे हो कि बगदोरा ये जगह कैसी है, ये रहा बगदोरा शहर, वो था एयरपोर्ट। मतलब यहाँ पे सर्दी होगा बट यहाँ पे सर्दी नहीं है, गर्मी लग रहा है भाई। तो या मेरी ब्लॉगिंग स्किल्स देख रहे हो कितने अच्छे से मैंने तुम लोग को जगह दिखाई। नहीं सो फाइनली हम लोग बैठ जाते हैं कैब में एंड कैब वाले भैया से मैं पूछता हूँ कि उन्होंने क्या सुना है इस जगह के बारे में एंड वो बोलते हैं कुछ ऐसा। क्या सुना है आपने? डरावनी जगह है। तो अभी हमारी फाइनली स्टार्ट हो गई है कालिम्पोंग की जर्नी, हम बगदोरा से जा रहे हैं कालिम्पोंग एंड ये है 80 किलोमीटर का रास्ता। पहले भाई मेरे को काफी अच्छा लगता है क्योंकि काफी अच्छी सी रास्ता होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आ जाते हैं बहुत ज्यादा पेड़ एंड उसके देर के बाद आ जाते हैं बहुत ज्यादा पहाड़ एंड उसके देर के बाद मैं हो रहा हूँ कुछ इस तरीके से जैसे मैं हिल रहा हूँ ना, मैं गाड़ी में लिटरली इसी तरीके से हिल रहा था बिकॉज मैं एक पहाड़ी के ऊपर जा रहा था और मेरी गाड़ी ऐसे घूम रही थी। लाइक सही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं रास्ते में सो गया था एंड जैसे ही पहाड़ आए फिर मैं दोबारा से ऐसे होने लगा। बट ये रास्ता बहुत बड़ा था तो बीच में हम लोग रुकते हैं। अभी लगी है भूख, कुछ खाना खाएंगे एंड फिर अभी 30 किलोमीटर और बचे हैं रास्ता जाने में, तो अभी अपने को और जाना है 30 किलोमीटर फिर हम लोग पहुंचेंगे कालिम्पोंग मॉर्गन हाउस। कुछ इस तरीके का एरिया है इधर साइड, हम लोग रुके हैं यहाँ पर खाने के लिए। भूख लगी है भाई, भूत तो नहीं लेकिन मेरे को भूख जरूर मार डालेगी अगर मैंने खाना नहीं खाया तो। तो इस रेस्टोरेंट में हम लोग खाते हैं मोमोज क्योंकि इस जगह पे मोमोज बहुत पॉपुलर हैं और ये मैं खा रहा हूँ मोमोज। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तभी मेरे को याद आता है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा मिर्च डली थी। पहले ये मोमोज खाने के बाद ना हम लोग एक जगह पर भी रुके थे जहाँ पर ना बहुत अलग अलग तरीके के कैक्टस थे। हम लोग को रास्ते में मिला है ये कैक्टस वाला कुछ तो प्लांट भाई, पूरा बहुत अलग अलग तरीके से कैक्टस लगे हैं भाई, बहुत बड़े बड़े से। लुक एट दिस, कितना नुकीला है भाई, ये काफी ज्यादा नुकीला है भाई। ये तो नरूटो का वो लग रहा है जैसे जब उसकी पूंछ निकलती है ना फॉक्स वाली पोजीशन में, वैसा लग रहा है ये। घूमते हम लोग को बहुत सुंदर सी जगह मिल गई है, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। लुक एट दिस, पीछे भाई पूरा शहर दिख रहा है, वो देखो एक पूरा का पूरा शहर है। वो समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने इतना ऊपर भाई घर बना कैसे लिए है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इन्होंने इतनी ज्यादा गिट्टी मोहरम ईटे इतने ऊपर ला के घर कैसे बना लिया। बट ऐसे ही थोड़े से मचे बट खराब रास्ते के साथ हम फाइनली पहुंच गए हैं मॉर्गन हाउस। गाइस हम लोग जस्ट अभी पहुंचे हैं मॉर्गन हाउस एंड ये दिखने में बहुत डरावना है। तो ये रहा मॉर्गन हाउस एंड वो रही बिल्डिंग, अभी हम लोग बिल्डिंग के अंदर नहीं गए हैं बट दूर से ही भाई ये बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है। कितना पुराना है ये, मैं सही बता रही हूं जरूर रहती होगी वो, एक लिटिल सी घास पे ऐसा फट गई। मॉर्गन हाउस पहुंचने के बाद ही उधर से एक बंदा आता है एंड वो चेक करने लगता है कि हेलो भाई क्या काम है सर जी आपको। तो ये बंदा हम लोग को ले जाता है रिसेप्शन पे एंड वहां से साइन कराता है एक कॉन्ट्रैक्ट कि अगर यहाँ पे हमें कुछ भी होता है, मजाक कर रहा हूँ मैं, ये कुछ वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, नॉर्मली रिसेप्शन पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे थे हम लोग। भाई मेरे को आराम चाहिए है थोड़ा सा, भूत से बाद में मिलेंगे हम लोग। भाई ये कॉटेज ही इतना ज्यादा भूतिया सा लग रहा है, तो मॉर्गन हाउस कैसा होगा? लकड़ियों का बनाया है ये देखो पूरा का पूरा। Look at this. इधर नाखूनों के निशान भी है भाई, ये देखो किसी ने स्क्रैच किया है, मनु ये तेरे निशान है नाखूनों के। इसलिए ऐसे ही घूम रहा था थोड़ा सा कॉटेज में एंड भाई मेरे को ये मिला है। Look at this. भाई ये पूरा भूतिया सा है। हालांकि भूत वाली जगह पे आए हैं तो भूतिया सा ही होगा।
भाई तुम्हें ये वीडियो के बीच में आने की कोई बात नहीं है, बट एक स्पेशल चीज है, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोवर्स काफी जल्दी होने वाले हैं, काफी कम बचे हैं। अगर ये वीडियो पब्लिश होने के 3 दिन के अंदर मेरे 3 लाख फॉलोवर्स हो जाते हैं तो मैं जाऊंगा द कंज्यूरिंग हाउस में, द एक्चुअल कंज्यूरिंग हाउस जो मूवीज के अंदर होता है, जहां पर द कंज्यूरिंग वाली मूवी बनी है ना, उसके अंदर। तो दिस इज माई इंस्टाग्राम, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इफ इस वीडियो को पब्लिश होने के बाद 3 दिन के अंदर मैं 3 लाख फॉलोवर्स पे पहुंच जाता हूँ तो आई स्वेयर टू गॉड मैं वो वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं कंज्यूरिंग हाउस में जाऊंगा एंड वहां पर एक्सपीरियंस करूंगा इफ हमें एक्चुअली में कोई गोस्ट मिलता है कि नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, तो ये था पीछे रिसेप्शन। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली है। मैं बस यही बोलूंगा कि भाई रात के टाइम ये प्लेस काफी ज्यादा डरावना हो जाएगा, लेकिन ये दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। कितनी ज्यादा हरियाली है इधर साइड। रातों के टाइम भाई इधर कोई भी तुम्हें स्केयर कर देना, नन्हे कपड़े पहन के ना ऐसी की तैसी कर सकता है। दिखने में ये सुंदर भी लग रहा है, डरावना भी लग रहा है। दोस्तों के साथ आने के लिए ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में। ये रहा रूम, पूरा लकड़ी का है। मनु सबसे पहले ये दरवाजा खोल के देख रही है क्योंकि भूत सबसे पहले दरवाजे से आता है। कॉटेज में बस मैं ऐसे ही मजे कर रहा होता हूँ, तभी थोड़ी देर के बाद मेरे को एक्चुअली में एक हॉरर सी चीज दिखती है एंड ये चीज एक्चुअली में बहुत डरावनी है। गाइस ये जो है ना, ये इससे आवाज आ रही है इसके अंदर। भाई यार ओके, तो ये रहा रूम। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, पूरा रूम एक्चुअली इतना स्कैरी कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन लेट्स सी रात में यहाँ पे सोएंगे तब पता लगेगा, क्योंकि फिर पता लगेगा ना कि रात में वो उसकी आत्मा मेरे सपने में आती है कि नहीं आती है। ये है मेरे रूम के बाहर का व्यू, लुक एट दिस, ये कितना ज्यादा सुंदर व्यू लग रहा है। सो ये करने के बाद फाइनली नाउ इट्स टाइम कि हम आपको दिखाएं कि आखिर मॉर्गन हाउस कैसा है। तो मैं कैमरा अपना उठाता हूँ एंड पहुंच जाता हूँ। कैसा लग रहा है देखो? मुझे तो ऐसे वो वाली बॉलीवुड वाला। देखो यहाँ पे बॉलीवुड के लिए थोड़ी ना लाया हूँ भाई मैं। भाई मैं तेरे इसको हॉन्टेड हाउस में लाया हूँ, ये नाच रही है भाई। देख, अभी अभी तक ये गई नहीं। हॉन्टेड हाउस में सबसे पहले क्या होता है, वो लड़की, उसको घर इतना पसंद आता है, वो घर में घूमती है, फिर वो श्रापित चीज उठाती है, तब भूत आता है। अभी ना ये घर में गई नहीं है इसलिए इतना नाच रही है। अभी मैं इसको ले जाता हूँ होटल में, ठीक है ना, हॉन्टेड हाउस में ले जाता हूँ, फिर देखता हूँ इसकी क्या हालत होती है। ओके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉर्गन हाउस, क्योंकि जब हम पहले गए थे ना तब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें इधर साइड भेज दिया था एंड हमें जाने नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ तो काम चल रहा था, वो बोल रहे कि थोड़ी देर के बाद आना। तो अभी फाइनली हम लोग जा रहे हैं मॉर्गन हाउस के अंदर, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया है, तो लेट्स सी कि आखिर ये होटल कैसा है कैसा नहीं। कम बाय द वे, ये जो तुम लोग आगे देख रहे हो ना, ये जो घर है ना, ये है यहाँ पे काइंड ऑफ ये रिसेप्शन है मॉर्गन हाउस का पूरा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है और यहीं पे ऑफ किचन है एंड फिर वहाँ पे मॉर्गन हाउस में हम लोग खाना खाते हैं। तो ये काफी एरिया ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सी जगह है। जिसने भी ये बनवाया था ना, वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और काफी पैसे वाला बंदा था। तो चलते हैं, लेट्स गो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मॉर्गन हाउस के लिए। हम लोग जा रहे थे मॉर्गन हाउस की तरफ ना, लेकिन ये जगह देखो, ये वाली कितना ऊंचे, हम लोग ना पहाड़ों के बहुत ज्यादा ऊपर है, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा ऊपर। इसके नीचे लाइक तुम जाओगे ना तब जमीन आती है। ये देखो कितना बड़ा गोल्फ का एरिया, आई थिंक यहाँ पे गोल्फ खेली जाती है। बट या लेट्स गो मॉर्गन हाउस की तरफ। मेरी कैमरामैन भाई टक्कर लग जाएगी, साइड आ जा। तो मैं जैसे ही मॉर्गन हाउस में घुसता हूँ ना, मेरे से गार्ड पूछता है कि मेरे पास परमिशन है क्या अंदर जाने का। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ मेरा बुकिंग है, मेरे पास परमिशन है एंड फिर मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ एंड वो मेरे को कुछ इस तरीके से आंसर देता है। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं, ये रहा वो हॉन्टेड हाउस, तुम लोग देख सकते हो। स्पेशल चीज भाई, गेट पे ताला लगा है, हम लोग को अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, एंड हमारे सामने कोई आया भी नहीं हम लोग को अंदर ले जाने के लिए। लेट्स सी, भाई कोई सामने लेने भी नहीं आया भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है ओनली रेसिडेंट गेस्ट आर अलाउड इन साइड द परमिशन। तो इसमें से बस सिर्फ जिनको परमिशन है ना वही अलाउड है, अलग से लोग इसके अंदर घूमने नहीं जा सकते हैं। अपन जाइए बिकॉज हमारे पास परमिशन है। हाँ जी, हाँ हमारा रूम है, हमारा कॉटेज है और हमारे पास परमिशन आने का। अच्छा रुको, यहाँ पर एक अंकल है ना, अंकल पूछते हैं। अंकल बस एक छोटी छोटी सी चीज एक चीज जानी है, यहाँ पर मैंने सुना है ना ये लाइक कुछ तो हॉन्टेड हाउस है ये, ठीक है। मैं तो डे ड्यूटी कर रहा हूँ। डे ड्यूटी करते हो, रात में क्यों नहीं करते हो आप? रात में नहीं करते। रात में डर लगता है आपको?
ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी नहीं है। आपने कुछ सुना है यहाँ के बारे में? कुछ कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं बताओ ना, मेरे को जानना है, मेरे को जानना है। कुछ नहीं सुना। आपको कुछ बात नहीं करना है? नहीं। अरे मेरे को जानना है, मैंने सुना है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हॉन्टेड सुना है मैंने। हॉन्टेड होगा तो इतना गेस्ट रहते हैं? इतना गेस्ट रहते हैं, लेकिन आप रात में ड्यूटी क्यों नहीं करते हो? मैं ड्यूटी नहीं करता ना, नाइट। अच्छा, अच्छा। तो अंकल ना रात में नाइट ड्यूटी नहीं करते हैं, वो सिर्फ दिन में ड्यूटी करते हैं। और मम्मी वो कुछ भी नहीं बताना चाह रहे, वो कह रहे हम कुछ भी नहीं बताएंगे भाई, आप खुद देखो जाके। तो ये रहा, ठीक है ना, ये है मॉर्गन हाउस। लेट्स सी भाई, ये दिखने में बहुत ज्यादा ना स्कैरी सा लग रहा है, ठीक है ना, बिकॉज भाई इसमें बहुत ज्यादा पत्ते हैं, ये देखो कुछ ज्यादा ही पत्ते हैं। लेट्स सी, अंदर जाते हैं एक बार देखते हैं। वैसे वहां पर कुछ लोग भी हैं, उन लोगों से हम लोग पूछने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और हमें कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, ठीक है ना। सिर्फ लास्ट बार जब हम लोग आ रहे थे तब वो ऑटो वाले ने बताया, तो वो ऑटो वाला तो भाई कह रहा था कि भाई वो बहुत खतरनाक जगह है। ओके लेट्स सी, आगे जाते हैं। कम तो ये सिक्योरिटी गार्ड मेरे से बोल रहा था कि वो सिर्फ यहाँ पे दिन में ही काम करते हैं, रात में काम नहीं करते हैं। लेकिन जब वो साइड में गए थे तब मेरे को उनके केबिन के अंदर कुछ ये दिखा। ये है वॉचमैन का घर, और उसने भाई एक लड़की बना रखी है इस दीवार पे। पता नहीं ये वॉचमैन ने बनाई है या पहले से ही बनी थी, लेकिन बहुत हंसी आ रही है मेरे को देख के। तो बेल, जब मैं मॉर्गन हाउस के और अंदर जा रहा था, उसी समय मेरे को एक लेडी दिखती है जो कि उसमें काम करती है, तो मैं उनसे लेने लगता हूँ इंटरव्यू। ये है मॉर्गन हाउस कुछ पास से, एक्चुअली बहुत ज्यादा पुराना है। वो आंटी से पूछते हैं, आंटी हाँ जी, ये जो हाउस है ये कितना पुराना है? वो तो बहुत साल पुराना होगा ना। बहुत साल पुराना है, 100 साल पुराना। अच्छा, मैंने इसको ना इंटरनेट पे सुना है, लाइक कुछ तो भूतिया इसके बारे में। अब कभी कभी तो आता ही है, अब भूत तो नहीं होनी जगह कहाँ है, आता है कभी कभी। कुछ सुना है आपने ऐसा कुछ? आपने कुछ कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे कभी भी? कभी कभी मतलब होता है ऐसे आवाज आता है। अच्छा, कभी कभी क्या हुआ था, स्टोरी क्या है? स्टोरी तो उतना मेरे को भी पता नहीं है। अच्छा, आप कब से हो यहाँ पे? मैं अभी 15 साल से हूँ। 15 साल से हो यहाँ पे? ये तो 100 साल। आपको डर नहीं लगा आपको यहाँ पे? कभी ऐसे कभी डर नहीं लगा। लेकिन आपने आवाज़ें सुनी है कभी? थोड़ा थोड़ा होता है ऐसे। अच्छा अच्छा, आंटी बोल रही है कि आंटी 15 साल से है यहाँ। जैसे अब आत्मा तो इधर ही होता है ना, वो तो रात तो चला जाता है, आत्मा तो इधर ही होता है। तो कभी कभी इन लोग तो ऐसे हो ही जाता, जैसे पूर्णिमा का रात हो गया ऐसे आता है ना, है कि नहीं? आंटी बोल रही है कि उन्होंने वो 15 साल से यहाँ पे है, ठीक है ना, उन्होंने आवाजें सुनी है कभी कभी, वो भी बोल रही है कि उनको भी आवाजें आती हैं। एंड हाँ, कुछ तो यहाँ पे हॉन्टेड सा है। लेट्स सी, ये रहा भाई, कितना सुंदर लग रहा है ये। ये है मॉर्गन हाउस भाई, बहुत ज्यादा पुराना है ये, लिटरली जड़ें आ रखी हैं इस पूरे घर पर। मैं थोड़ा सा घूम के तुम लोगों को दिखाता हूँ, हम इसका एक चक्कर लेते हैं, लाइक जस्ट देखने के लिए कि कैसा है ये, फिर हम लोग अंदर जाके देखेंगे। वो देख, वो एक सीन दिख रहा ना, वहाँ पे एक छोटा सा वो है खिड़की, खिड़की रात के टाइम ऐसा रहेगा कि उधर से कोई चुड़ैल अपने को देख रही है। कम ओके ओके, एक और है भैया, इधर साइड आओ, इधर साइड आओ, एक लड़का मिला अपने को, इधर साइड आओ, हम इससे पूछते हैं। यहाँ पे काम करते हो आप सच्ची में? अच्छा, मेरे को ये बताओ, मैंने इसके बारे में ना भूतिया चीजें सुनी है इस घर के बारे में, जी, कुछ है ऐसा यहाँ पे? ऐसा नहीं है, अभी नहीं है, पहले कभी था कुछ? पहले कभी होगा शायद। अच्छा, लेकिन अभी होता भी तो अभी तो नहीं आएगा, रात में आएगा। रात अभी में शायद सोने में, अभी सोने अभी नहीं आएगा। वैसे ये घर दिखने में इतना भूतिया क्यों लगता है? क्योंकि ये ऐसे ही रखा हुआ है, टूरिस्ट लोग आते हैं, हॉन्टेड हाउस सोच कर ही आते हैं, तो इसीलिए इसको ऐसे ही रख दिया। समझा। कभी तुमने कभी एक्सपीरियंस किया कभी डरावना कुछ भी? कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मैं तो ज्यादा नहीं हुआ, 1 ईयर ही हो गया। अच्छा, लेकिन जो भी सीनियर है उन लोगों को भी ज्यादा फील नहीं हुआ। अच्छा ओके, तो ये भी कह रहे हैं कि भाई रात के टाइम आता होगा जो भी भूत आता होगा, अभी के टाइम कोई भी नहीं आता है। कोई नहीं, हम लोग घूमते, डर के रहेंगे ना तो आएगा भूत, अगर गुंडागर्दी से रहेंगे ना तो भूत हमारे पास नहीं आएगा, ये बोल रही है ये। ओके, तो घूमते हैं साइड में देखते हैं। तो साइड में एक्चुअली ये काफी काफी बड़ा है, पीछे भी एक गार्डन है, एक पूरा सा घर सा है ये। अब देखोगे ना तो ये पूरा एक्चुअली घर ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये घर ही बनाया था। तो जॉर्ज मॉर्गन आई थिंक नाम था, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ये घर बनाया था, एंड मैरिज के बाद ना उनकी वाइफ की ना अपने आप मौत हो जाती है कुछ टाइम के बाद कुछ तरीके से, एंड उसके बाद वो ये घर छोड़ देते हैं, एंड तब से ये घर थोड़ा सा ना हॉन्टेड है, तब से उनकी आत्मा इधर घूमती है। तो ऐसा कुछ स्टोरी है जितना मैंने देखा है। देखो गार्डन वाले भैया हंस रहे थे जब मैंने ये बोला ना, गार्डन वाले भैया हंस रहे थे, देखो गार्डन वाले भैया से बात करेंगे। आत्मा सुन के हंसी आया आपको? अच्छा, इंटरनेट पे यही लिखा है भैया, आप बताओ। इंटरनेट पे यही है, यही है इंटरनेट पे?
आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? ऐसा तो नहीं किया है, फिर भी हमने इंटरनेट में देखा हुआ है ना। इंटरनेट में देखा है? यहाँ पे कोई लोग आया जिसने कभी ऐसा बोला है कि यहाँ पे आत्मा देखा उन्होंने या कुछ? हाँ ऐसा तो हुआ है। हुआ है। अच्छा आपको डर लगता है कोई यहाँ पे आसपास के लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं? हम लोग तो देखो रात में तो रहने आते हैं ना। अच्छा रात में नहीं रहते हो आप? कोई भी यहाँ पे मैंने जितने लोगों से भी बात की ना कोई भी यहाँ पे रात में नहीं रहता, सिर्फ दिन ही दिन में रहते हैं। सिर्फ एक चौकीदार लोग रहता है। हाँ साइड में रहते हैं। अच्छा तो रात के टाइम ना इसके अंदर किसी को भी आना अलाव नहीं है, सिर्फ दिन के टाइम ही लोग यहाँ पे रहते हैं। ये पीछे से कितना डरावना लग रहा है भाई, 1920 वाला घर लग रहा है ये, जिसपे नहीं वो फुल चुड़ैल जो दीवालों पे चढ़ती है वैसा वाला सीन लग रहा है ये। अच्छा जो जिसमें मौत हुई है, कौन सा रूम है जिसमें मौत हुई है ना, वो ये वाला रूम है जिसकी खिड़कियां खुली हैं, जिसपे सबसे ज्यादा ये पत्तियां आई हैं वो ना, तो जिसपे ये सबसे ज्यादा पत्तियां है ना उसमें उसकी मौत हुई थी। लेकिन कैसे मौत हुई थी आपको पता है? ये तो हमने देखा है तो नहीं है, बल्कि हमने सुना है पंखे है ना उसके अंदर फांसी लगा ली। ओके तो फांसी लगा कर लाइक सुना है कि फांसी लगा कर मौत हुई थी। भाई मैं ना सबसे नॉर्मली इंटरव्यू टाइप का ले रहा था एंड मैंने एक चीज नोटिस करी, लोग एक्चुअली में ना यहाँ पे रात में कोई भी नहीं रहता है, रात में सब चले जाते हैं। ये लोग बोल रहे भाई, बोल रहे कि नहीं हमें बिलीव नहीं है, लेकिन हमें बिलीव भी है, रात के टाइम हमें यहाँ पे नहीं रहना है, रात जैसे ही होगी ना वैसे ही हम निकल जाएंगे। लेकिन ना वो भैया भी बोल रहे थे कि जो चौकीदार रहता है ना वो भी सिर्फ वो भी दूर रहता है, अंदर कोई नहीं आता, अंदर कोई नहीं आता है। तो उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं जाने वाला हूँ इस हाउस के अंदर, मेरे को देखना है ना ये हाउस अंदर से कैसा है। ओके फाइनली नाउ इट्स टाइम हम लोग के अंदर जाने का, एंड लेट्स सी अंदर जाके देखते हैं कि कैसा लगता है। ये एक हॉन्टेड होटल है एंड लोग बोलते हैं कि यहाँ पर आना मना है, बट यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं। अंदर से ये कुछ इस तरीके का है, पूरा लाइक हाउस टाइप का है, एंड ये है एक लॉन्ज एरिया। यहाँ पे आरती वो भी है जहाँ पे आग जलाई जाती है, फुल ऑन स्कैरी वाला मूवमेंट, चिमनी है जो कभी जलती नहीं है। मैं ये घर जब अंदर से एक्सप्लोर कर रहा था तब मेरे को एक कर्टन दिखता है जो कि मेरे को समझ में नहीं आता कि क्यों डला है, एंड जब मैं उसको खोलता हूँ तो मेरे को दिखता है कुछ ऐसा, और इधर पर्दे के पीछे कुछ तो है जो कि दिखाया नहीं जाएगा। वेट पर्दे के पीछे हटा के देखते हैं, कोई है नहीं अभी। एक खिड़की है जिसको बंद कर रखा है, पता नहीं क्यों, अजीब सा रीजन है, बस इस खिड़की को ना बंद कर रखा है भाई फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों। इधर कुछ राइटिंग्स भी लिखी है, फिल्म एक्टर वगैरह जो लोग यहाँ पे आए थे ना रूम नंबर 1 में, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख के गए हैं, पता नहीं। सिंपली वी वॉन्ट टू फॉरगेट दिस प्लेस, आई से ये लिख, हाँ आई कैन नेवर फॉरगेट दिस प्लेस ये लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफी लोगों ने ना चीजें अपने लिखे गए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस लिखे गए हैं, जो भी उनका हॉरर एक्सपीरियंस रहा था वो। भाई मेरे को भी लिखना है, मैं भी इतना बड़ा हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ भाई। बट वेल इसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ ऊपर जाने का, एक्चुअल में वो हॉरर एंड हॉन्टेड रूम्स के अंदर। ओके एक बार ऊपर जाके देखते हैं कि कैसा है, एंड उसी समय एक लेडी आती है एंड हम लोग को रोक लेती है। बट हे गाइस आपके रचित भाई हॉट एंड सेक्सी एंड हैंडसम एंड सब कुछ है, तो मैं उसको मना लेता हूँ एंड हमें मिल जाती है परमिशन। एक्चुअली अभी हम लोग को रोक दिया था क्योंकि आउटसाइडर्स को अलाउड नहीं है, तो वो बोल रहे थे कि ऊपर जाना अलाउड नहीं है, ऐसे आप ऊपर मत जाओ। लेकिन अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, हम लोगों ने परमिशन ले ली है। ये सीढ़ियाँ देखो भाई, ये सीढ़ियाँ कितनी पुरानी है और कितने स्क्रैच मार्किंग्स है, ये कितने स्क्रैच मार्क है ऐसे नाखूनों के। ये देखो ये एक शीशा भी है, शीशा कितना अच्छा लग रहा है। ये रहा मैं। ओके ऊपर जाके देखते हैं वो रूम, देखते हैं वो रूम है 101, लेकिन आई थिंक वो रूम में ना कोई गेस्ट है, तो हम वो रूम के अंदर जा नहीं सकते हैं। हालांकि मेरे को वो रूम के अंदर जाके देखना था, लेकिन हम इधर साइड आ सकते हैं। तो ये रहा वो एरिया, ये है वो रूम जिसके अंदर डेथ हुई थी। डैम भाई ये दिखने में कितना सुंदर घर है भाई, इस रूम में कुछ ज्यादा ही ये आ गई है। देखो लाइक सिर्फ यही एक लौता रूम है जिसमें इतनी ज्यादा ये है पूरी, ये देखो कितनी ज्यादा वो है, रूट्स है, लुक एट दिस, रूट्स ही रूट्स है इस पे। कोई नहीं अपन आते हैं, बस इतना सा एरिया है भाई इस बिल्डिंग में। वेल मेरा प्लान होता है रूम 101 में जाने का, जिसके अंदर मेन स्टोरी है हॉरर वाली, जिसमें इस घर में जो रहने वाली महिला थी उसकी डेथ हुई थी। मेरे को ना वो 101 वाला रूम देखना है, तो मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी नीचे से, मैं पूछ के आता हूँ इफ हम लोग देख सकते हैं कि नहीं, लाइक जिसमें जो डेथ हुई थी ना वो वाला रूम हम लोग देख सकते हैं कि नहीं, एक बार मैं परमिशन लेता हूँ। ओके तो मैं जस्ट ना अभी परमिशन लेके आया, एंड अभी इस रूम में एक गेस्ट है, तो हम लोग अभी इस रूम में नहीं जा
आ सकते हैं, लेकिन कल के दिन हमें इस रूम में जाने का परमिशन मिलेगा। तो ये वही रूम है जो कि हॉन्टेड है, एंड कल के दिन हम लोग देखेंगे कि आखिर इस रूम में क्या है। तब तक के लिए अभी हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे इस पूरी जगह को। देखो एक चीज तो है कि ये जगह काफी ज्यादा स्कैरी है दिखने में, मतलब हर जगह पे भाई स्क्रेचेस वगैरह है। अगर मैं थोड़ा सा भी चलूं तो ऐसा लगता है ये बिल्डिंग टूटने वाली है। एंड जो वो रूम है वहां पर कुछ ज्यादा ही ये पत्तियां हैं भाई, तो थोड़ा सा डर सा लगता है भाई मेरे को वो जगह देखने में रात में। अभी मैं फोटो क्लिक कर रहा था भाई अपनी, और मैं 3 बार फिसल गया, ठीक है ना, और मेरा बार बार जूता खुल रहा है भाई ये पैर का। मेरे को लग रहा है इस घर में जो भी वो आत्मा रहती थी ना, वो मेरे से गुस्सा हो गई है। मैंने आई थिंक ज्यादा ही मजाक बना दिया उसका, इसीलिए बार बार गिर रहा हूँ मैं। हम लोग घूम रहे थे और हम लोग को इतनी स्कैरी जगह दिख रही है ना, इतनी स्कैरी गलियां, जैसे कि ये गली पता नहीं भाई कहाँ पे जाती है। अभी हम लोग लंच करके आए। एक चीज है कि यहाँ पर ना बहुत कम गेस्ट आए हुए हैं, एंड जो भी आए हैं ना तो हमें दिख ही नहीं रहे हैं। हम लोग अकेले हैं, तब से सिर्फ 1 या 2 ही इंसान मेरे को यहाँ पे दिखे हैं जो यहाँ पे काम नहीं करते हैं और गेस्ट आए हैं। आई थिंक हम ही लोग हैं, बाकी सब यहाँ पे काम करने वाले ही हैं। अभी बज रही है शाम के 6। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, एक्चुअली मैं सो गया था, अचानक से मैं उठ गया ठंड की वजह से, थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था तो मैं अभी उठ गया हूँ। मनु सो रही है, अब थोड़ी देर में डिनर का टाइम होगा, डिनर करेंगे एंड फिर हमारा फर्स्ट डे कंप्लीट होगा इस बिला पे। तुम लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ, इसमें ना ये वॉशरूम है, ठीक है ना। पहली बात तो इसमें बहुत डरावनी आवाज आ रही है, और ऊपर से इसका ये जो गेट है ना, मैं अभी आया, ठीक है, मैं बहुत गंदा डरा गया, मैं आया एंड मैंने गेट को ऐसे छोड़ा और ये अपने आप बंद होता है। ये देखना, मैं इसको छोड़ूंगा, ये इतना तेज आवाज करता है भाई, मेरी ऐसी की तैसी होगी, मैं डरा गया। मैंने कहा कि भाई मैं टॉयलेट करने गया एंड गेट मैंने छोड़ा एंड वो अपने आप बंद हुआ, और इतना तेज से आवाज आया कि भाई मैं डरा गया, मेरे को लगा किसी भूत ने बंद कर दिया भाई। आरती, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आरती की तबीयत खराब हो गई है गाइस, आए हुए आरती के ऊपर कोई ना कोई भूत चढ़ गया है दोस्तों। आरती आपको कैसा लग रहा है? आरती गाइस अभी आई है, ठीक है, और इसकी एक्चुअली में तबीयत खराब हो गई है, लेट गई। वो घर गंदा था, उसने मेरे को भूत कोई बीमारी दे दी, उतनी देर से लेटे हुए हम। ये सो रही है उतनी देर से, इसके शरीर में दर्द हो रहा है, ठीक है, बेचारी बीमार ही हो गई है। जी 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 जी, ये मेरे को जस्ट अभी आया था, अभी मैं टॉयलेट करके आया हूं। भूत से भी खराब तो मैं हूँ। वेल इतना रिकॉर्ड कर मैं कैमरा बंद कर देता हूँ, एंड उसी समय पे हो जाती है शाम। फिर शाम को हम लोग डिनर करने जाते हैं, एंड मेरे को महसूस होता है कि मेरे लाइफ का सबसे आखिरी खाना होने वाला है शायद से ये, बिकॉज ये डिनर एरिया कुछ इस तरीके का है। भाई प्लीज इसको फिक्स करा लो यार, मतलब हर जगह पे स्क्रैचेस हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ की लकड़ियाँ सब अपने नाखूनों से खोद डाली हैं यार। लिटरली मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ये मेरा आखिरी खाना तो नहीं है, इतना अच्छा खाना क्यों दे रहे हैं ये लोग मेरे को। वेल डिनर करने के बाद मैं अपने रूम पे वापस चला जाता हूँ, एंड देन रात के टाइम में वापस आता हूँ मॉर्गन हाउस के अंदर। अभी बज रहे हैं रात के 7, और इधर ना अंधेरा हो गया है पूरा। मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही जाने का मॉर्गन हाउस के, बच गया भाई, मैं रपट गया होता भाई। मैं आजकल यहाँ पे कुछ ज्यादा ही रपट रहा हूँ, मैं ना इतनी जितनी देर से भी यहाँ पे चल रहा हूँ ना, कम से कम 5-6 बार रपट चुका हूँ। आराम से भाई, एक्चुअली बहुत अंधेरा है ये, क्योंकि दिस बहुत ज्यादा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और मैं रात में जा रहा हूँ मॉर्गन हाउस। अभी भाई जा तो रहा हूँ लेकिन डर लग रहा है यार इस रास्ते में, मेरे को ऐसे लाइट चालू करके जाना पड़ रहा है। एक तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है भाई इधर, गोश्त हंटिंग करेंगे हम। बस थोड़ी सी और सीढ़ियाँ भाई, ये घर बहुत ऊंचा बनाया गया है और ऊपर से रात में आने के लिए यहाँ पे मना किया है, बट हम फिर भी जा रहे हैं रात में चुपके से, कोई देख ना पाए। बस ये रहा गाइस द मॉर्गन हाउस, में कोई भी नहीं है भाई आसपास में, मैं अकेला आया हूँ और आसपास में मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा है, बस लाइट जल रही है। मैं मनु को भी लेके नहीं आया, मैं सिर्फ अकेला आया हूँ। इधर एक मेरे को वो दिख रही है कुर्सी, मेरी सांस फूल गई भाई इतना चढ़ते चढ़ते, और बैठने की जगह है इधर, ये देखो इसके पीछे झाड़ी झाड़ी है। मैं इधर बैठने की सोच रहा हूँ बट मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं बैठ रहा इधर, मैं जा रहा है इधर से भाई, मैं नहीं बैठूंगा इधर, मेरे को लग रहा है डर। इधर ये एक कुर्सी और डली है, इस कुर्सी पे बैठ जाता हूँ, ये बेटर है,
कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठ जाता हूँ। ये रहा वो घर, रात हो रही है अभी, वेट करते हैं यहीं पे, मोबाइल चलाते हैं कुछ देर, लेट्स सी कि क्या एक्सपीरियंस होता है। कुछ देर यहाँ पे रुकता हूँ, लेट्स सी रात में मेरे को कुछ डर लगता है कि नहीं। रात के टाइम जब मैं मॉर्गन हाउस में जा रहा था तो मेरी कुछ हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, बिकॉज रास्ता तुम लोग देख सकते हो काफी ज्यादा डरावना था, एंड रात में ये मॉर्गन हाउस और भी ज्यादा डरावना लगता है दिखने में। मेरे को बैठे बैठे अभी करीब आधा घंटा हो गया है, अभी मेरे को लग रही है बहुत तेज ठंड। मेरे आसपास में एक दो कुत्ते आए और पीछे से जो है ना किट 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 सी आवाज आ रही है, तो उससे मेरे को डर लग रहा है। मेरा मन तो कर रहा है इसके अंदर जाने का, सारी लाइट्स ओपन है बट कोई भी मेरे को अंदर दिख नहीं रहा है। बाय द वे ये वाली वो खिड़की है, यानी ये वाला वो रूम है जो हॉन्टेड है और मैं इसी के सामने बैठा हूँ। तो रात के टाइम में मॉर्गन हाउस पे काफी देर तक रुकता हूँ, काफी रात हो चुकी होती है, आसपास में कोई भी नहीं होता है, हालांकि मेरे को डर भी लग रहा होता है, बिकॉज देखो वैसे तो मेरे को बहुत ऐसा डर नहीं लगता है, लेकिन भाई कुछ ज्यादा ही स्टोरी सुन ली है इस होटल की, तो अभी थोड़ा सा डर लग रहा था मेरे को। और एक चीज मेरे साथ बहुत वियर्ड सी हो रही थी कि बार बार मेरे पैर का फीता खुल रहा था, और ये चीज एक बार नहीं मेरे साथ इस वीडियो में 8-9 बार होती है। एक बहुत अजीब सी चीज हो रही है मेरे साथ भाई, मैं कोई सा भी जूता पहन रहा हूँ ना, मेरा फीता बार बार खुल रहा है भाई, इस पैर का फीता खुल रहा है मेरा बार बार, कोई सा भी जूता पहन रहा हूँ उसमें इसका भी खुल गया, ये दूसरा जूता है जबकि। पहले उसके बाद रात में मैं आता हूँ अपने होटल पे वापिस, एंड मैं फिर मैं सर्च करता हूँ मॉर्गन हाउस की स्टोरी के बारे में कि एक्चुअल में रियल स्टोरी क्या थी। ओके तो अभी मेरे पास लैपटॉप है, तो मैं लैपटॉप में चेक कर रहा था इस मॉर्गन हाउस के बारे में, एंड ये थोड़ा सा हॉरर करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके का माहौल किया है। पीछे मनु बैठी है, हाय मनु। तो अभी मैं तुम लोग को स्टोरी बताता हूँ इस पूरे हाउस की। तो तुम लोग सामने देख सकते हो कि मैंने आर्टिकल खोल रखे हैं, तो मैं ना एक्चुअली आर्टिकल पढ़ रहा था इसके बारे में कि आखिर ये हाउस क्या है और क्या लोगों ने यहाँ पर चीजें एक्सपीरियंस करी हैं कि नहीं करी हैं। तो बहुत बहुत टाइम पहले जब अंग्रेजों का राज चलता था, मॉर्गन करके एक इंसान था, ठीक है, 1930 में उसने एक शादी करी एंड अपनी वाइफ को एज अ प्रेजेंट के लिए, एज अ प्रेजेंट एज अ गिफ्ट के लिए उसने ये घर बनवाया हिल स्टेशन पे, ठीक है ना, बंगाल में कालिमपोंग के अंदर। तो अभी इस घर की स्टोरी ये है कि उसकी शादी होने के बाद ना उसकी जो वाइफ होती है ना उसकी मौत हो जाती है अचानक से, ठीक है ना, प्री मैच्योर मौत, लाइक उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसकी ऐसे ही मौत हो जाती है। एंड जो स्टोरीज लोगों ने सुनी है तो वो उसने पंखे में फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली थी, तो ऐसी स्टोरीज हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उसने आत्महत्या करी, कुछ लोग बोलते हैं कि पूरा घर ही पोजेस था, ये जगह पोजेस थी, इस तरीके से आत्महत्या हुई। एंड जब से उसकी वाइफ की डेथ हुई तो इस घर में ना कुछ गलत गलत चीजें होने लगी, तो मॉर्गन ने इस घर को छोड़ दिया एंड वो यहाँ से चले गए। उन्होंने ये घर बेचा भी नहीं, उन्होंने एक्चुअली अगर किसी को बेचा नहीं, ये घर ले लिया गवर्नमेंट ने, यानी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, एंड तब से उन्होंने इसको बना दिया है एक हॉन्टेड लॉज, यानी एक लोकेशन जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, दिन में घूम सकते हैं और रात में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ जगह पे जाने में, एंड ये है लाइक इसका पूरा पूरा स्टोरी। ऑल्सो ना मैं आराम से कुछ गूगल मैप्स पे रिव्यूज देख रहा था, तो लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पर ना लाइक ने वॉचमैन वगैरह से पूछा, कोई गोस्ट वगैरह तो वॉचमैन को नहीं दिखा, लेकिन हम लोग अगर खिड़कियों से देखें तो शायद से हमें मिस मॉर्गन दिख सकती हैं। तो काफी लोग बोल रहे थे कि काफी अच्छी जगह है, काफी लोग अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। एक मैंने देखा था, ठीक है, जिसमें लिखा था कि घूमने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम रुकना चाहो तो रुकने के लिए ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिकॉज ये जगह काफी ज्यादा ही डरावनी है और यहाँ पे काफी डरावनी डरावनी सी चीजें होती है। वैसे अगर तुम लोग इंटरनेट पे जाओगे एंड डालोगे मॉर्गन हाउस हॉरर एक्सपीरियंस, ठीक है, तो तुम्हें काफी ज्यादा लाइक आर्टिकल्स आ जाएंगे जहां पर लोगों ने ना लाइक अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए हैं मॉर्गन हाउस में जब वो गए थे तब के। तुम लोग चाहो तो इंटरनेट पे रीड कर सकते हो। एंड देन रात में हम लोग सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो दिस इज आवर डे 2 एट मॉर्गन हाउस। अभी जस्ट मॉर्निंग हुई है एंड ये है कुछ बाहर का नजारा। हम लोगों ने जस्ट 24 आवर्स स्पेंड किए हैं मॉर्गन हाउस में। अभी रात में मेरी दो बार नींद उठी थी, एक बार मेरे को लगा लाइक कोई आवाज लगा रहा है मेरे को ऐसे, बट आई डोंट थिंक सो कोई था, बस मेरे को ऐसे ही वहम था, फिर मैं सो गया। टू बी ऑनेस्ट मेरे को अच्छी नींद आई, बस रात में मैं दो बार उठ गया था, आई थिंक दो या तीन बार ऐसे ही।
सर्दी की वजह से और थोड़ा सा आवाजें आ रही थी उसकी वजह से, बाकी मेरे को अच्छी नींद आई। अभी तक मेरे को कुछ हॉरर सा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बस बहुत कम लोग विजिट करने आए हैं यहाँ पे, सिर्फ मैं ही एंड मेरे सारे लोग हैं और कोई यहाँ पे आया नहीं है मेरे हिसाब से। बस मेरा भाई फीता बार बार खुल रहा था, भाई मेरे साथ एक चीज हो रही थी जो कि मैं आई डोंट थिंक सो हॉरर बोलूंगा, या हो भी सकता है भाई, हॉरर चीजें ऐसी ही होती है। वो फीता खुल रहा था, भाई मेरे साथ चीज हो रही थी, बाकी अभी तक एवरीथिंग इज प्रीटी नॉर्मल। क्या भाई चढ़ते चढ़ते अभी हो रहा है सेकेंड डे, हम लोग आए हैं मॉर्गन हाउस पे दोबारा, मतलब बाहर आए हैं मॉर्गन हाउस के, और मैं सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक गया भाई। इधर एक बंदा ड्राइंग बना रहा है, ठीक है वो देखने कि वो कैसी ड्राइंग बना रहा है, वो मॉर्गन हाउस की ड्राइंग बना रहे हैं। रात में मैं इस बेंच पे नहीं बैठा था बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, अभी दिन में बैठेंगे एंड थोड़ी सी धूप लेंगे। अभी अच्छा लग रहा है, सीधी सीधी सनलाइट आ रही है चेहरे पे, सनस्लैप्ड ये सनस्लैप। पहले इसके बाद एक सरप्राइजिंग चीज होती है, हम लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, एंड ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद वहां से जब मैं आ रहा होता हूँ तभी मेरे को एक गेस्ट मिलता है जो कि वहीं पर रुका था, एंड वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो कि उनको लास्ट रात महसूस हुआ था। 220 के पास मैंने महसूस किया कि मैं बेड से थोड़ा सा नीचे, लाइक कोई खींचा आपको, जैसे लगा मुझे कोई वो पुश कर दिया। रात के टाइम पे तो मैं भी जग उधर साइड लेटा था ना, मैं तो मैं भी जग गया था, मेरे को अजीब सा महसूस हुआ ना तो मैं जग गया, फिर मैं सो गया, फिर बाद में आवाज सी कुछ आ रही थी फिर मैं सो गया। लाइक आपको लगता है ना कि यहाँ पे कुछ तो अजीब सा है, बिल्कुल बिल्कुल 220 क्या ऐसा कोई हार्मफुल नहीं है लेकिन वो महसूस होता है, का एहसास कराता है ऐसा मुझे लगता है, कोई हार्म करने वाला नहीं। 220 के आसपास मुझे फील हुआ जब कोई मुझे जस्ट कोई नींद टूट गई, समझा, इतनी गहरी नींद में मैं थका हुआ, मैं ऐसे नींद नहीं टूट सकती, समझा। आप अपना नाम भी बता दो। मेरा नाम सहूस कुमार, हाँ पटना से हूँ। थैंक यू। वेल नाउ हम लोगों ने 24 हाउस गुजार लिए हैं मॉर्गन हाउस पे, एंड अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही एक इंसान से उसकी लास्ट नाइट की स्टोरी सुनी है कि कैसे उसको कोई नीचे खींच रहा था, तो अभी मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, हालांकि मेरे को अभी तक कुछ हॉरर सा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो सेकेंड डे दिन में हम लोग डिसाइड करते हैं आस पास की जगह घूमने का, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस गोल्फ वाले एरिया पे, एंड उसके बाद आते हैं हम लोग एक मोनेस्ट्री के अंदर, वहां पर ये घुमाने वाली कुछ चीजें होती हैं जिनको मैं पूरा घुमा देता हूं भाई, यहां पर मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया था। इसके बाद हम लोग जाते हैं एक व्यू पॉइंट पे जो कि बहुत ही ऊंचाई पे होता है, एंड यहां से सारे के सारे पहाड़ और एक छोटी सी नदी दिख रही होती है दूर से, एंड यहीं पे मैं रोड पे पुशअप भी मारने लगता हूं। वो देखो। उसके बाद हम लोग गए थे बुद्धा पार्क, बुद्धा पार्क भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था, यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें थी, यहाँ पर मेरे को कुछ डक्स भी मिलती हैं। इसके बाद हम लोग एक और व्यू पॉइंट पे जाते हैं, वहां पर भी एक स्टेचू होता है, वहां से भाई आसपास का एरिया ना काफी ब्यूटीफुल लग रहा होता है, एंड उसके बाद हम लोग जाते हैं हनुमान टेम्पल पे जो कि बहुत ऊंचाई पे होता है। थक गया हूं भाई सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, मैं मेरी सांस फूल जाती है चढ़ते चढ़ते। वेल ये हनुमान मंदिर काफी ज्यादा सुंदर था, मैंने हनुमान जी की इतनी सुंदर मूर्ति पहले कभी नहीं देखी थी, एंड इसके बाद हम लोग जाते हैं एक और जगह पे जो कि पहाड़ के सबसे टॉप पर होती है। इस जगह पे भाई मेरे को डायनासोर वगैरह भी दिखते हैं, एंड इसी जगह पे भाई मेरे को मिलता है एक इल्यूजन वाला म्यूजियम, एंड इसके अंदर होती है भाई बहुत अजीब अजीब सी चीजें। सबसे अजीब तो वो मिरर वाला मेज होता है भाई, मैं उसके अंदर फंस जाता हूँ एंड मेरे को समझ में नहीं आता है कि निकलना कहाँ से है। उसके बाद एक चीज होती है जिसको घुमाओगे तो आपको लगेगा कि भाई एक कैट भाग रही है, एंड उसको रोक दोगे तो वो कैट रुकी हुई है। एक लॉर्ड बुद्धा की पेंटिंग थी जहाँ पर मैं घूम रहा था उसका चेहरा उधरी साइड घूम रहा था, एक और पेंटिंग थी जहाँ पर मैं जिधर साइड जा रहा था ना वो पेंटिंग उधरी साइड मूव कर रही थी। ये सारा देख कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था भाई। एक जगह थी जहाँ पर मैं अकेला बैठ कर अपने अलग अलग वर्जन के रचित से मिल सकता था। हाय रचित, हाय रचित, हाय रचित,
हाय रचित। और इसमें वो भी था जहाँ पर आप आधा शरीर आपका गायब हो जाता है और सिर्फ आपकी गर्दन तरीके से दिखती है ना वो। तो इसलिए दिन में ये सारी जगह घूमने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं दोबारा से हमारे मॉर्गन हाउस पे एंड मैं बड़ी मुश्किल से परमिशन ले लेता हूँ वो रूम 101 में घुसने की। तो मेरे को मौका मिल गया, जो वो रूम था जिसमें सुसाइड हुआ था यानी जो हॉन्टेड रूम है ना, उसमें जाने का मौका मिल गया मेरे को। तो मैं अभी जा रहा हूँ एंड आई विल शो यू कि वो अंदर से कैसा है। आई एम वेरी एक्साइटेड भाई, मैंने बहुत ट्राई किया है उस रूम के अंदर जाने का, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है। ओके, तो ये रहा वो वाला रूम, दिस इज रूम 101। फाइनली हम लोग को परमिशन मिल गई है इसके अंदर जाने की। Let's go. Oof. Okay, तो ये है वो रूम जिस जो कि हॉन्टेड है, जिसमें लाइक वो हादसा हुआ था, ठीक है। इसमें रहती थी उनकी वाइफ। तो इधर एक कवर्ड है भाई, ये बहुत अंदर से बहुत गंदी है ये देखो। तो ये कुछ रूम है इस तरीके का, इस तरीके की दीवार है। यहाँ पर ये एक फायर प्लेस भी है जैसे कि नीचे था, ठीक है, बट इसमें फायर नहीं रखी है, बट जला सकते हैं, नीचे जगह है जलाने की। बट यहाँ का जो फैन था, ठीक है, वो फैन निकाल दिया गया है, जो फैन कनेक्टेड था इस स्टोरी से, तो उस फैन को रिमूव कर दिया है। ये रही विंडो, ठीक है, तो इस विंडो से हम लोग देख सकते हैं बाहर के साइड। तो ये काफी लाइक यही वो रूम है, ठीक है। फाइनली हम लोग इस रूम में आ रहे हैं ना, तो अपने को महसूस हो रहा है, ठीक है, लाइक थोड़ा सा वैसा माहौल है, थोड़ा सा ना इस रूम को हॉन्टेड टाइप का बनाया गया है। और ये तुम देखोगे ना तो ऊपर साइड काला काला है, ये दीवार टूटी है, इसको लाइक पेंट नहीं किया गया है, इसको जैसा पहले था ना वैसे ही जैसा रखा गया है, इसको दोबारा से रेनोवेट नहीं किया है, चेंज करने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की है। फर्नीचर वही वाला है, ये देखो, ये फर्नीचर भी चेंज नहीं किया है, तुम लोग देख सकते हो, ये पुराना वही फर्नीचर है जो कि 1930s में था। माय गॉड, मैंने अभी देखा नीचे साइड, तुम लोग देख सकते हो इधर साइड से बहुत ज्यादा वैसे स्क्रैचेस हैं, जैसे कि नेल्स की होती है ना, तो इधर साइड बहुत ज्यादा स्क्रैचेस हैं, और इस बेड के नीचे से भी बहुत ज्यादा है, जैसे कोई बेड के नीचे से निकला हो। और यहाँ पे ये दबता है, ये जो जगह है ना, ये जगह दबती है यहाँ से, फील हो रही ना तेरे को, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ ना तो पूरा हिल रहा है ये। तो ये था रूम 101, फाइनली हम लोग को देखने के लिए मिल गया। तो ये था रूम 101 जिसमें हुई थी वो लेडी की मौत, एंड यही है वो सापित रूम जिसमें से पंखा हटा दिया गया है। देखो अभी तो मैं घर पे आ चुका हूँ, बट मैं यही बोलूंगा कि वो रूम काफी अच्छे से स्कैरी तरीके से डिजाइन किया गया था। तो ये होने के बाद हम लोग अपने कमरे पे वापस जाते हैं, उसके बाद हो जाती है रात, एंड उसके बाद हम लोग जाते हैं डिनर करने के लिए। दिस इज डे 2 एट मॉर्गन हाउस, रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग आए हैं मॉर्गन हाउस के अंदर डिनर करने। तो ये है हम लोग का सेकेंड डे एंड लास्ट डे एट मॉर्गन हाउस, हम लोग डिनर कर रहे हैं यहाँ पर। डिनर करने के बाद मैं रात में दोबारा से बाहर बहुत ज्यादा घंटे टहलता रहता हूँ, मोबाइल चलाता रहता हूँ मॉर्गन हाउस में। मैं वहाँ पे एक दो घंटे ऐसे ही रुकता हूँ अकेले, जस्ट चेक करने के लिए इफ मेरे को कोई सी भी हॉरर चीज महसूस होती है कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट अभी मैं घर पे आ गया हूँ, लेकिन एक चीज जो वहाँ पर बहुत ज्यादा वियर्ड थी कि एक चीज मेरे साथ बहुत ज्यादा वियर्ड हो रही थी कि मेरा पैर का फीता बार बार खुल रहा था, एंड ये चीज मैं बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, इतना कॉमन नहीं है मेरे पैर का फीता खुलना, लेकिन जब भी मैं उस हाउस के पास जा रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई मेरे पैर का फीता खोल रहा है। तो रात में जब मैं ऐसे ही घूम रहा होता हूँ ना, उसी समय मेरे पीछे कुत्ते भी पड़ जाते हैं, हालांकि वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया भाई, लिटरली बहुत खतरनाक वाला सीन था, सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने रूम के अंदर, एंड इसके बाद हम लोग सो जाते हैं, एंड हमारे कंप्लीट हो जाते हैं टोटल 48 आवर्स एट मॉर्गन हाउस। तो अभी हम लोग डिनर करके आए हैं, ठीक है, तो आज के दिन हम लोग पूरे दिन बाहर थे, शाम के टाइम हम लोग गए डिनर किया अभी वहीं पे, तो डिनर काफी अच्छा था, लाइक नॉर्मली वही था जो हम लोगों ने बोला था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, ठीक है ना, मैं एक दो घंटे वहीं पे घूम रहा था, देख रहा था कि कुछ मेरे को एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता है। भाई वैसा कुछ तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन भाई कुत्ते पीछे पड़ गए थे मेरे, ठीक है ना, वही मैं ना देखो सामने में घूम रहा था, मैं जैसे ही उसके पीछे जा रहा था ना, वैसे ही सारे कुत्ते मेरे पीछे आ गए, ठीक है, उस टाइम पे रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, अदरवाइज हम लोग जो अंदर भागे ना लाइक लोगों की तरफ, जो यहाँ पे वॉचमैन वगैरह ना उनकी तरफ हेल्प के लिए, सारे कुत्ते पीछे पड़ गए थे हम लोग के, ठीक है, और वो लोग लेकिन उधर से आगे नहीं आए, जैसे हम लोग घर के पास गए ना वैसे ही वो वहाँ से चले गए कुत्ते, ठीक है। बाकी अभी हम लोग आ गए हैं अपने रूम पे, आज का दिन काफी अच्छा था, ये था डे 2, तो अभी हम लोग सोएंगे। यप, नो
नाउ द रियल क्वेश्चन, रचित भाई आप गए थे इस हॉन्टेड हाउस में, तो क्या आपको लगता है कि उसमें भूत है और क्या आपको महसूस हुआ? वेल, मैंने मॉर्गन हाउस पे 2 दिन गुजारे हैं एंड मैं इतना ही बोलूंगा कि मैंने वहां पे कोई सी भी भूतिया चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया। देखो, अगर मैं चाहता तो वीडियो में बोल सकता था कि ये बहुत ज्यादा स्कैरी एक्सपीरियंस था मेरा, या मेरे को बहुत ज्यादा डर लगा वहां पे, एक्चुअली में मैंने भूत देखा एंड ऑल। हालांकि वहां पर जितने भी लोगों से मिला, काफी लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे को, एंड रात में एक बार मेरे को अजीब सी आवाज आ रही थी। उसके अलावा मेरे को कोई सी भी एक्सपीरियंस चीज नहीं हुई हॉरर, बट मेरा मन था इस जगह जाने का, तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली में 48 आवर्स स्पेंड किए। बट हे, एक चीज तो मैं तुम लोगों को बताना भूल ही गया। तो या इफ तुम लोग को याद नहीं है तो मैंने वीडियो के बीच में बोला था कि ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, इफ मेरे को 3 दिन के अंदर इस पे 3 लाख फॉलोअर्स मेरे हो जाते हैं तो आई विल गो टू द कंजूरिंग हाउस। तो इफ तुम लोगों ने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करो इफ यू वॉन्ट टू सी मी, लाइक मैं वहां पर जाऊँ, उसमें मेरा और भी ज्यादा खर्चा होगा। तो या आई थिंक आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो ये साइड वाली वीडियो देखो, ये भी काफी हॉरर है जो कि मैंने बनाई थी। मैं मिलूंगा तुम लोग एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।